नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फेलोपियन ट्यूब, राइट इट्स फंक्शन। तो देखो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि फेलोपियन ट्यूब होती क्या है, फिर फंक्शन करेंगे इसका। फेलोपियन ट्यूब देखो एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसका दूसरा नाम बन जाएगा, इट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। इसको आप सेकंड पॉइंट में भी लिख सकते थे, यहां पे आपकी चॉइस है, जैसे आपको इजीली याद रहे। सेकंड क्या लिखोगे, इट इज इसका लेंथ और डायमीटर लिख दो, इट इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो देख लो आपने जो फेलोपियन ट्यूब देखी है, मैं आपको ये बताऊं, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको यूटेराइन डक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, बट आपको ओविडक्ट ही ज्यादा टकराएगा आपके 10th लेवल पर। सो ये जो ओविडक्ट है ना, देखो मैं आपको समझाऊं इसका फंक्शन समझाऊंगा, मैं उसके पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा एक पॉइंट, ये तभी तो लिखोगे आप ध्यान से समझ पाओगे। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखो यूट्रस आ गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप प्रीवियस वीडियो में जा करके एक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो कि वेल लेवल डायग्राम कैसे बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें ये देखो बेबी है, छोटा सा मैंने एम्ब्रायो दिखाया है, फीटस दिखाया है, जो यहाँ पे यूट्राइन वॉल से अटैच हो गया, ये फंडस रीजन है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये वॉल लेयर है यूट्रस की। तो ये यूट्रस है और ये ओवरी है, ओवरी इस तरह से अटैच होती है फिलामेंट से, ओवरी से यूट्रस से, तो और एब्डोमिनल वॉल से। और तो ये यूट्रस और ये ओवरी, तो बीच में क्या है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो देखो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन देखो क्या होगा, पहले तो इसकी पहचानो आप क्या है भाई, ओविडक्ट कहते हैं इसको। दूसरा इसकी लेंथ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो अंदाजन आपको इसकी नेम, अदर नेम, इसका लेंथ और इसका डायमीटर पता चल गया। और सेकेंड चीज़, इसमें आप फंक्शन देखो, फंक्शन देखने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या करता है। देखो ओवरी है ना, तो ओवरी से ओवम कलेक्ट करेगा, ये इसका फंक्शन बन गया, इट कलेक्ट्स ओवम फ्रॉम ओवरी। फिर क्या करेगा, ओवम को यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसमें फेलोपियन ट्यूब में, तो सीलियरी मूवमेंट से ये ओवम इस साइट तक पहुँचेगा, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वेजाइना में नहीं होती, फर्टिलाइजेशन सर्विक्स में नहीं होती, फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नियर ओवरी भी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब के मिड रीजन में। इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्तमिक जंक्शन, इसको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में कर लो अब कि ये क्या है, AI जंक्शन। तो इस AI जंक्शन पर होती है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स हैं। आप जब अगले साल जो बायो लेंगे 12th क्लास में, उसमें आएगा फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें ये एम्पुलरी इस्तमिक जंक्शन बनता है, मीन्स एम्पुला और इस्तमस 2 पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट्स का जंक्शन, ये AI जंक्शन बनता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर पहुँचेगा कैसे ओवम, तो ओवम के पास में कोई स्पर्म की तरह, ये स्पर्म है और ये ओवम है, इतना बड़ा ओवम के पास कोई फ्लैजला थोड़ी ना प्रेजेंट है, तो ये सिलियरी मूवमेंट से पहुँचेगा। तो क्या हो गया सेकेंड फंक्शन फेलोपियन ट्यूब का, इट कैरी ओवम टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया ओवम का और स्पर्म का, तो जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट बन गया तो ये मूव करके कहाँ इम्प्लांट होगा, यहाँ इम्प्लांट होगा ना, तभी तो बेबी बनेगा, आगे ग्रो करेगा। तो ये क्या करेगा, थर्ड फंक्शन लिख दो इसमें आप, इट कैरी फर्टिलाइज्ड एग टू द यूट्रस। बात आई समझ में, तीनों सिंपल से पॉइंट हैं, ये आपको बनाने और लिखने हैं। तो मैं अब लिखवा देता हूँ आपको इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस लिखो, पहला फंक्शन, इट कलेक्ट ओवम फ्रॉम ओवरी, इट कलेक्ट्स ओवम फ्रॉम ओवरी।
सेकेंड फंक्शन, इट कैरी ओवम टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कैरी कर लिया, उसके बाद फर्टिलाइज हो गया एग, अब फर्टिलाइज एग को भी कैरी करेगा कहां तक, इट कैरी फर्टिलाइज्ड एग टू द यूट्रस, यूट्रस तक कैरी करेगा ना, क्योंकि ओवम से लेकर के कहां जा रहा है एग, बिफोर फर्टिलाइजेशन एआई जंक्शन तक आया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूट्रस तक आया, तो सारा काम किसका है, फेलोपियन ट्यूब का, तो ये इसका फंक्शन हो गया और ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, तो आपको इतना लिखना है, ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सफिशियंट है। देखो 5 पॉइंट्स हो गए ना इसमें, 2 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट इसके, तो पूरा 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशियंट है, इसको 2 कीजिए 3 ही कर लो, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशियंट हो गया ये। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू एंड सफिशियंट फॉर यू।